नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार के 30वें शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी उत्तराखंड के भाजपा नेता भी बनेंगे। दरअसल उत्तराखंड से लोकसभा की सभी पांचों सीटों पर भाजपा ने लगातार 30वीं बार विजय हासिल की है। यही नहीं, नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और उनके पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में राज्य को केंद्र से लगभग 1.5 लाख करोड़ की परियोजनाएं मिली है। अब जबकि नरेंद्र मोदी को राजग संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है और वो लगातार 30वीं बार कल देश की बागडोर संभालने जा रहे हैं, तो इससे उत्तराखंड भाजपा भी उत्साहित है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि प्रदेश की जनता ने पांचों लोकसभा सीट प्रधानमंत्री की झोली में डालने का काम किया है और अब नरेंद्र मोदी 30वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता, विधायक, मंत्री समेत लगभग 350 नेता समारोह में शामिल होंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने पांचों की पांचों लोकसभा सीट माने प्रधानमंत्री जी की झोली में डालने का काम किया है और यहां से पूरे प्रदेश से हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी है 350 के लगभग यहां से कल शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे और ये बहुत ही गौरवान्वित है हमारे लिए और ये ऐतिहासिक क्षण और पल होगा इस प्रदेश के लिए भी और पूरे देश के लिए भी कि 30वीं बार माने नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं। इस देश को और उत्तराखंड को उन्नति और प्रगति की ओर देश हित में काम करेंगे।